But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. मित्रता की वजह से आज ये हमारे बीच में पता नहीं किस तरह से कैसे आ गई है, मुझे भी नहीं पता, बट लेकिन बहुत ही जल्दी इनका एक नया सीरियल आने वाला है जो विद इन 10 या 12 दिन में शूटिंग प्रारंभ होने वाली है. लेकिन आज आप लोगों के बीच में है पारुल चौहान. पारुल चौहान को आप सभी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं. लेकिन मुझे ये बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं स्वर्णा का रोल निभाने की क्या जरूरत थी ये बताओ मुझे. तो एक्चुअली किसी भी एक्टर के लिए कोई रोल छोटा बड़ा एज में कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो ये रिश्ता क्या कहलाता है वो शो था विदाई वालों का, मतलब राजन सर का. तो जब उन्होंने मुझे इस रोल के लिए बुलाया तो मेरा भी मुंह ऐसे खुला था. मैंने कहा हाँ, तो बोलते हाँ, बिकॉज उन्होंने बहुत पहले मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब भी कुछ ऐसा पावरफुल आएगा जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा टैलेंट यूज़ कर सकूं, मैं उसी दिन तुम्हें बुलाऊंगा. ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे बनाया था, उन्होंने रागिनी को लोगों तक पहुंचाया था. उसका प्यार मेरे ख्याल से मैं आज भी बटोर रही हूं आप लोगों से. वो मेरे पापा की तरह थे, पापा की तरह हैं, इसी वजह से मैंने उनको मना नहीं किया. और एक ऐसा शो जिसको करने में मुझे मज़ा आया और प्यार मुझे दिख रहा है. शो छोड़े हुए मुझे मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए, लेकिन इतना प्यार कि आज मैंने बोला सुनील जी आज मैं बहुत थक गई, इतने पिक्चर्स मैंने कभी नहीं क्लिक करवाए, बहुत थक गई. बट ये थकावट तब दूर हो जाती है जब फैन से मिलती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ, इतना प्यार मिलता है. बस इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए, सफलता अपने आप ही आ जाएगी. थैंक यू. मैं भी पारुल आपसे यही कहूंगा कि आप गंगापुर वालों की ओर से, पूरी नगर पालिका की ओर से, हमारी चेयरमैन साहिबा, समस्त पार्षद गणों की ओर से यहाँ से इतना प्यार लेके जाए, इतना प्यार लेके जाए कि आज की जो प्रसिद्धि है वो प्रसिद्धि कई गुना बढ़ के आप फिर वापस गंगापुर मंच पे आए. ये गंगापुर वालों का प्यार लेके जाइए. और मैं चाहूँगा कि पारुल से फिर मिलाऊंगा आप लोगों को, लेकिन कुछ देर का ब्रेक पारुल के लिए. पारुल को फिर बुलाएंगे और सभी के साथ पिक्चर भी क्लिक कराएंगे. आप निश्चिंत रहिएगा, पारुल आप लोगों के साथ सेल्फी भी लेगी. पारुल आपके साथ इस मंच से हर वो पिक्चर क्लिक करेगी जो कि एक सेलिब्रिटी, तो नहीं कहूँगा मैं सेलिब्रिटी, इसलिए नहीं कहूँगा कि आपके अंदर जो जमीन से जुड़ा हुआ जो एक क्या कहते हैं उसके, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि शब्दों के लिए यही कहूँगा कि अल्फाज अधूरे लगते हैं, हर उपमा छोटी लगती है. कि अल्फाज अधूरे लगते हैं, हर उपमा छोटी लगती है. पारुल मैं तुम्हारी क्या तारीफ करूं, मेरी शब्दों की हर एक बात छोटी लगती है, मेरे शब्दों की हर एक बात छोटी लगती है. मैं फिर से बुलाऊंगा पारुल को और आप तब तक करते रहिएगा इंतजार जब तक पारुल हमारे बीच में आती है. और आइए मैं लिए चैनल नीरज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें.